मेरी पुलिस से गुजारिश है, राजेंद्र नगर पुलिस से गुजारिश है कि मेरा मसला हल करे, इन्हें पकड़े, इन्हें लाए और मेरा मसला हल करे। मेरी मैं एक गरीब टीचर हूँ, गरीब टीचर हूँ। देखिए मेरे पैसे मेरे को दिला दीजिए, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, इससे पहले एक मैं स्टेटमेंट दी थी मीडिया को बुला के नवाज अलबुर्राख ट्रैवल्स अलबुर्राख के बारे में बोली थी। तो मैं जो स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट उन तक पहुंच गया और उन्होंने ये बोल रहे हैं सबको, मेरे रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को ये बोल रहे हैं कि मैं पैसे दे दिया। देखिए पैसे उन्होंने नहीं दिए, पैसे मैं दी, बारिश में आके दे दिया बोल के बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। उन्होंने मेरे को बोले ट्रैवल ग्रुप जा रहा बाजी चलते क्या, बोल तो हाँ चलती हूँ, क्यों नहीं चलती हूँ। तो मैं बोली 1 लाख रुपये 2 पासपोर्ट से, वो तो नहीं 2 लाख होते, वो तो आज 1 लाख रुपये ले लीजिए, 2 पासपोर्ट ले लो बोलिए। उसके बाद में 2 दिन के बाद, 2 दिन का टाइम दिए, 2 दिन के बाद में उन्होंने आके और 1 लाख रुपये लेके चले जाते बोले। ठीक है मैं 1 लाख रुपये और 2 पासपोर्ट्स दे दी, 2 दिन के बाद में और 1 लाख रुपया दे दी, उन्होंने लेके चले गए। अब ये बोल रहे हैं कुरान उठा लो, कुरान कुरान पाक आप उठा लो, आप पैसे दे दिए बल्कि सारे रिश्तेदारों के सामने बोल रहे हैं, मेरा आखिरत का सौदा हो जाता, समझे आप पैसे नहीं दिए। और रह गई बात, अगर आप पैसे देते होते तो मेरे पास आपके चेक हैं, ये लेके जाते थे, आप नहीं लेके गए, समझे आप। और ये आंटी है, ये आंटी खुद डाले थे अलबुर्राख, आंटी की बेटी डायरेक्टर और सेक्रेटरी थे। आंटी पिल्ला नंबर 20 से 50 तक एडवर्टाइज दिए कि अलबुर्राख में जाएंगे तो जन्नत में घर मिलेगा, अलबुर्राख में जाएंगे तो हज होएगा, उमरा होएगा, जन्नत का रास्ता बनेगा, जन्नत का दरवाज़ा बनेगा, जन्नत में घर बनेगा, बल्कि आंटी उछल कूद बहुत करे। आंटी आपके पूरे 20 से 50 पिलर नंबर तक आपके एड्स है और खुद लोटस चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल के पास एक टावर है, एक कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक बहुत बड़े 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 पोस्टर्स है आपके। आप बहुत उछल कूद करके ये ट्रैवल को चलाने की कोशिश करे और चलाए भी, सारे हाजियों के पैसे लेके आप गायब भी हो गए। और आंटी मैं इस बार अगर दूंगी तो मैं आपको दूंगी, आप जब पुलिस वाले आए हैं तो आप 70 साल 80 साल का हवाला दिए, जब आप उछल कूद करते हो तो 70 साल 80 साल का ख्याल आपको नहीं आया, और भी बुलाएंगे, आप डरिए, आप अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, आप किसी से भी नहीं डर रहे हैं, आप उछल कूद करें। अब बिल्लियों के साथ कहाँ दपक के बैठे हैं आंटी, मैं अब इस बार आपके नाम पे दूंगी, और वो भी पहली भी कंप्लेंट में आपके नाम पे, आपके दामाद के नाम पे दी, और भी आपके और के दामाद के नाम पे ही दूंगी। और आपके दामाद बोल रहे हैं कोई पैसा नहीं देना है, देना है मैं बार बार बोल रही हूँ। और खास तौर से अगर आप और आप अल्लाह के घर को लेके जाता हूँ, बल्कि अल्लाह के घर का सौदा दिए, वास्ता दे के सौदा करे, और आप चोरों के साथ छुपते फिर रहे, लोगों को बोलते फिर रहे, आप सामने आइए, मेरे से बात करिए आप, समझे आप। और आपके वालिद साहब भी गैर गलत लोगों को बोलते फिर रहे, आपका लैंड ग्रैबिंग का भी केस है मलकपेट में और आजमपुरे में है, और मासाब टैंक लकड़ी का पुल में है, तमाम केसेस खुलवाऊंगी मैं, आप अगर मेरी बात नहीं समझेंगे। और आप सबको बोल रहे हैं 1 घंटे में पैसे दे दूंगा, मैं आपको 1 दिन का टाइम दे रही हूँ, 1 दिन का टाइम दे रही हूँ, मेरे पैसे पूरे लौटा दीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको पैसे दी, बोले तो दी, पासपोर्ट पैसे आपके पास है, आपको याद नहीं होगा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपको अल्लाह पैसे बहुत दे, लेकिन खाने के लिए सेहत ना दे। आपको अब तक गरीब और मोहताज हाजियों से साबिखा पड़ा, एक टीचर से साबिखा नहीं पड़ा आपको।